आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको हैरान कर दिया। उनके समर्थक, उनके विरोधी सब शॉक्ड हैं, क्योंकि जो काम अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तीन हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इनमें दो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक वो हैं जिन्होंने देश में खेती किसानी की दशा दिशा बदल दी, लेकिन कभी उनको ऐसा सम्मान देने के बारे में किसी ने नहीं सोचा जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत रत्न देकर दिया। आज जिन तीन भारत रत्न का ऐलान पीएम मोदी ने किया, उनकी सरकार ने किया, उनमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम है, जो किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का नाम है, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस में कैसी उनकी दुर्गति हुई मृत्यु के बाद, वो आपको किस्सा पता है, और कांग्रेस ने तो कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। और देश के बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे M.S. स्वामीनाथन शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनका राजनीति में और समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इतने साल कांग्रेस की सरकारें रहीं, दूसरी पार्टियों की भी सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इन लोगों के योगदान को सम्मानित किया जाए। आमतौर पर सरकार के किसी भी सम्मान के बारे में पहले यह सोच रही है कि यह सम्मान तो अपने ही लोगों को दिया जाता है। कांग्रेस के जमाने में तो लोग अपने आप को दे देते थे, अपने लोग को छोड़िए। लेकिन पीएम मोदी ने जितने भी भारत रत्न दिए उसमें यह सोच कभी नहीं दिखी। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर बीजेपी के अटल जी को भारत रत्न दिया गया तो कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया गया। अगर बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया तो कांग्रेस के नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। अगर पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो किसानों के नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए, क्योंकि एक तरफ महापुरुषों का सम्मान भी हुआ और दूसरी तरफ 2024 की राजनीति में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका भी लग गया। क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से पश्चिमी यूपी में आरएलडी को साध लिया गया, जो अब तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा था। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से आंध्र प्रदेश की राजनीति को साध लिया गया, क्योंकि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी ने करके दिखाया। M.S. स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते हैं और हरित क्रांति के जनक हैं, तो दक्षिण और किसानों दोनों को एक साथ साधा गया। इसमें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान का असर यह देखिए कि दो तीन दिन से चुप बैठे जयंत चौधरी सामने आकर पीएम को धन्यवाद देने लगे, और खुद जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने की बात पर मुहर लगा दी। आज जब पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो उसके जवाब में जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। इस मौके पर जब जयंत चौधरी से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब वो किस मुंह से इनकार करेंगे। सुनिए एक बार जयंत चौधरी को। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं, देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूँ कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए, और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया, और इसलिए मैं कहता हूँ दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। यानी जो खबर हम आपको पाठशाला में बता रहे थे कि आरएलडी जाएगी बीजेपी के साथ, उस पर आज जयंत चौधरी ने खुद मुहर लगा दी। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद तो कोई अगर मगर का सवाल ही नहीं रह जाता। अब तो बस जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने का ऑफिशियल ऐलान बचा है। यूपी में बीजेपी और आरएलडी की जुगलबंदी भी शुरू हो गई। लखनऊ में विधानसभा के बाहर यूपी और आरएलडी के नेता यूपी बीजेपी के नेता और आरएलडी के नेता एक साथ दिखे। दोनों ने मिलकर चौधरी चरण सिंह और पीएम मोदी के पक्ष में एक साथ नारेबाजी की है। सुनिए, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आरएलडी के विधायक मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाने लगे। पहले कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी ने भारत रत्न दिया तो नीतीश कुमार दौड़े चले आए। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया तो जयंत चौधरी का पीएम मोदी के साथ जाना तय। पीएम मोदी ने ऐसा करके यूपी में एनडीए गठबंधन का खेल ही पलट दिया, क्योंकि अखिलेश यादव तो आरएलडी को 7 सीट ऑफर कर चुके थे, 7 सीट।
शायद कुछ और मोल भाव करते तो 8 सीटें मिल जाती। और अभी जो सूत्रों से खबर है उसके मुताबिक बीजेपी जयंत चौधरी को सिर्फ 2 सीट देने वाली है। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी को 1 राज्यसभा सीट भी मिल सकती है। दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान 2 से 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन शायद जयंत चौधरी ने यह भी कैलकुलेशन किया होगा कि अखिलेश यादव के साथ 7 सीट पर लड़के क्या फायदा जब एक भी ना जीत पाए। इससे अच्छा मोदी लहर में 2 सीट जीतेंगे और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी तो कुछ तो फायदा है। लेकिन जब से जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की बातें चली हैं तो लोग उनके पुराने बयान भी याद दिला रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नीतीश कुमार के पलटने पर नीतीश कुमार और अमित शाह के पुराने बयान याद दिलाए जा रहे थे। आज बीजेपी के साथ जाने का मन बना लेने वाले जयंत चौधरी पहले कहा करते थे कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। एक बार सुनिए जयंत चौधरी पुराने बयान में क्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? खुद ही बोले मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके पलट जाऊंगा और पलट गए। आज जयंत चौधरी से चवन्नी वाला सवाल भी पूछ लिया पत्रकारों कि वो तो कहते थे कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, फिर अब क्या हुआ जो पलट गए? इस पर जयंत चौधरी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनो। सर आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देख रहे? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूँ। और मैं कहता हूँ राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। यानी जयंत चौधरी के मुताबिक वो चवन्नी नहीं है लेकिन विपक्ष जो बात कहता है वो चवन्नी होती है, वो कभी भी पलट सकती है। वैसे ये राजनीति में होता रहता है, नेता इधर उधर होते रहते हैं, बस एक बहाना चाहिए होता है। जयंत चौधरी को भी बीजेपी के साथ जाने की एक बड़ी वजह मिल गई कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जयंत चौधरी ने अखिलेश का साथ छोड़ा क्यों, जबकि अखिलेश यादव के साथ तो जयंत चौधरी को अच्छी बन रही थी। जयंत चौधरी को अखिलेश ने 7 सीटें भी दी थी, बीजेपी तो 2 ही दे रही है ऐसा कहा जा रहा है, फिर क्यों जयंत चौधरी पलट गए? इसकी वजह यह बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटें तो दे दी लेकिन वो ये चाहते थे कि उसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी के सिंबल पर लड़े। यानी चेहरा जो है वो आरएलडी का होगा लेकिन नेता समाजवादी पार्टी का होगा। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी इस फॉर्मूले से खुश नहीं थे। जो फॉर्मूला बीजेपी और आरएलडी के बीच फिक्स हुआ है उसमें बीजेपी आरएलडी को बागपत की लोकसभा सीट और बिजनौर की लोकसभा सीट देने को तैयार है। बागपत सीट से भी बीजेपी के सत्यपाल सिंह सांसद हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीट पर जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू को मैदान में उतारेंगे। हालांकि बिजनौर सीट पर आरएलडी किसे उतारेगी अभी साफ नहीं है। पिछली बार बिजनौर सीट बीएसपी के मलूक नागर ने जीती थी। यूपी की बिजनौर और बागपत सीट का समीकरण भी जान लीजिए जिसकी वजह से इन दोनों सीटों पर बीजेपी और जयंत चौधरी की बात बनी। बागपत जयंत चौधरी का गढ़ है। बागपत लोकसभा से ही साल 1999 से 2014 तक जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह सांसद रहे लेकिन 2014 में मोदी लहर में अजीत सिंह भी हार गए। 2019 में इसी सीट से जयंत चौधरी भी हार गए मोदी लहर में। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बागपत की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जीतकर आरएलडी ने कुछ भरपाई की। उधर बिजनौर सीट की बात करें तो यहां 2004 से 2014 तक आरएलडी का सांसद रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा में बिजनौर की 5 में से 3 सीटें सपा आरएलडी गठबंधन ने जीती थी। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की 7 सीटों के ऑफर को ठुकराकर बीजेपी की 2 सीटों वाले ऑफर को इसलिए भी यहां कह दिया क्योंकि जयंत चौधरी ये समझ चुके हैं कि यूपी में जो राम लहर चल रही है, जो मोदी लहर चल रही है, तो मोदी के पाले में जाने में समझदारी है, जीत की गारंटी वही मिलेगी। और वैसे भी आरएलडी का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कह रहा है कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ रहने में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे 2014 के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन आरएलडी ने किया लेकिन सीट जीती 0। 2019 में सपा बसपा से गठबंधन किया, सीट जीती आरएलडी ने 0। 2009 का चुनाव बीजेपी से गठबंधन करके लड़े थे तो आरएलडी ने सीटें जीती थी 5। जयंत चौधरी की मजबूरी तो समझ आ रही है लेकिन बॉस बीजेपी ने ऐसी पार्टी के साथ क्यों हाथ मिलाया
या मिलाने जा रही है, जिसने पिछले दो लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी नहीं जीत पाई। खुद अजीत सिंह और जयंत चौधरी जैसे नेता हार गए, फिर बीजेपी अपनी दो सीट भी जयंत चौधरी को क्यों देना चाहती है? इसके पीछे भी कई वजह हैं। पहली वजह, इंडी गठबंधन में शामिल एक और प्लेयर को अपने पाले में कर लेना, जिससे विपक्षी गठबंधन का जो थोड़ा बहुत भी आत्मविश्वास है बचा हुआ वो टूट जाए। दूसरी वजह, यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का जो टारगेट है उसके लिए एनडीए को और मजबूत करना और विपक्ष को कमजोर, ये दोनों चीजें एक साथ करनी हो। तीसरी वजह, 2019 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी जिन 8 सीटों को हार गई थी उन सीटों पर बीजेपी की वापसी के चांस और बढ़ जाएंगे। अगर पश्चिमी यूपी का कैलकुलेशन करें तो पश्चिमी यूपी की 27 सीटें जिसमें से बीजेपी ने 2019 में 19 जीती थी और सपा बसपा गठबंधन ने 8, आरएलडी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा इसे भी आपको बताता हूं। आरएलडी का वोट बैंक जाट वोटर है, पश्चिमी यूपी में 17% जाट वोट है और जाट बहुल सीटें 18 हैं। यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी सुपड़ा साफ करना चाहती है, तभी तो 80 में 80 का टारगेट लेके चल रहे हैं। बोलो तो जो आए आन दो वाला हिसाब है। पीएम मोदी ने भारत रत्न देकर इंडी गठबंधन का बड़ा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन अब भारत रत्न की और डिमांड होने लगी। जैसे मायावती ने कहा कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, हरियाणा में कहा जा रहा है कि देश के पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल जी को भारत रत्न मिले, महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने डिमांड कर दी कि बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न मिले, संजय राउत कह रहे हैं कि बाल ठाकरे और वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन अगला भारत रत्न किसे और कब मिलेगा यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। लेकिन सही समय पर सही फैसला, इन लोगों का तो सम्मान है ही, पॉलिटिक्स के लिहाज से भी सारे मामले सेट होते दिख रहे हैं।